अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ये मैंने एज इट इज़ बुक की पिक्चर रखी हुई अपने सामने, आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी। अपनी बुक्स को ओपन कर लें, मैं इनको यहीं से ही आपके सामने एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। ओके बेटा, रिस्पायरेशन एक्चुअली एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर प्लांट्स। ठीक है, दोनों में, प्लांट्स में, ह्यूमन बींग में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल एक ही होता है रिस्पायरेशन का, जिसे हम सांस लेना कहते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है ये। ओके, तो होता क्या है इसमें, आपके पास एक्चुअली ब्रेक डाउन किया जाता है ग्लूकोज को इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सो इट्स अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। होता किस तरह से ये, जिस तरह से हमने फोटोसिंथेसिस की एक प्रॉपर इक्वेशन पढ़ी थी, सेम उसी तरह से इन्होंने रिस्पायरेशन की भी इक्वेशन बताई हुई आपको। क्लियरली नज़र आ रहा है? यस। ओके, तो इसमें बेटा होता क्या है, आपके पास यू कैन सी रिएक्टेंट्स है, हमारे पास ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और क्या फॉर्म हो रहा है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। सो इट्स एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी आपके जो प्लांट्स होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल होती है। ये सारा प्रोसेस रिस्पायरेशन का होता कहाँ से है, टाइनी होल्स होते हैं आपके लीव्स पे, जिसे आप स्टोमेटा कहते हैं, उनकी वजह से आपकी जो गैसेस होती हैं एक्सचेंज होती हैं CO2 एंड O2। इसमें होता क्या है, आप में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपने देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल, बट यहाँ पे प्रोसेस ऑपोजिट है, ऑपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन में आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है जी बेटा, ये तो हो गया हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता किस तरह से।